नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। मां मनसा विसर्जन शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का इलाज के दौरान हुआ निधन, राज्य में फैली शोक की लहर। मायागंज अस्पताल में भर्ती सजायाफ्ता कैदी विकास झा पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार, एसएसपी ने गठित की जांच टीम। और दहशत फैलाने के उद्देश्य से नाथनगर में बदमाशों ने ताबड़तोड़ बमबाजी की घटना को दिया अंजाम, दो आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय बिसहरी पूजा समारोह के बाद सोमवार को भागलपुर में सती बिहुला एवं मां बिसहरी की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दिन के 11 बजे शुरू हुई, जिसको लेकर भागलपुर के स्टेशन चौक पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, केंद्रीय बिसहरी पूजा समिति, शांति समिति एवं सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तैद दिखे। शोभा यात्रा की शुरुआत सांसद अजय मंडल, डीडीसी सुनील कुमार, सहायक डीएम आशुतोष कुमार, एसडीएम आशीष नारायण, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव एवं मनसा विसहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के पदाधिकारियों ने सभी मेयर पतियों एवं पूजा समिति के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इसको लेकर भागलपुर नगर एवं मनसा विसहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति की ओर से मंच बनाकर कई प्रकार के इंतजाम किए गए थे। पूरे सौहार्दपूर्ण माहौल में सबसे पहले पर्वती की मां विसहरी की प्रतिमा रवाना हुई, जबकि इसके बाद कतारबद्ध होकर विभिन्न जगहों से पहुंची प्रतिमा ढोल नगाड़े और फिल्मी धुनों के साथ रवाना हुई। पूरे विसर्जन मार्ग में जगह जगह युवा एवं पूजा समिति के सदस्य कर्तव्य करते दिखाई दिए और भक्तिमय माहौल में पूरे उत्साह के साथ मां विसहरी का जयकारा लगाते रहे। भक्ति गीत और फिल्मी धुनों पर पूजा समिति सदस्य एवं युवा सड़कों पर थिरकते दिखे। जो हमारे भागलपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ऐसे दुनिया के प्रत्येक जगह पर माता विसहरी है, लोग नाग का पूजा करते हैं, लेकिन उन नाग का सारा शादी विवाह घर यहाँ होना यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। बाला विसहरी का घर मेरे भागलपुर में है, ये सब सौभाग्य की बात नहीं है। विसहरी पूजा विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विसर्जन मार्ग पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। वहीं प्रतिमा विसर्जन को लेकर डीडीसी सुनील कुमार, सहायक जिलाधिकारी आशुतोष कुमार, एसडीएम आशीष नारायण और सिटी डीएसपी राजवंश सिंह समेत कई अधिकारी मुस्तैद दिखे। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर सदर एसडीओ आशीष नारायण ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में प्रतिमा विसर्जित की जा रही है, जबकि सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन में शांति समिति का सहयोग सराहनीय है। सर्वप्रथम पूरे भागलपुर वासियों को और बिहार वासियों को विसहरी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विसर्जन के मौके पे सभी मुख्य चौक चौराहों, सभी संवेदनशील स्थानों पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी थाने में सुरक्षित मजिस्ट्रेट भी रखे गए हैं और समय अनुसार जो भी समय निर्धारित किया गया था उस आलोक में विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है। अभी तक विसर्जन की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से की जा रही है। विसहरी पूजा को लेकर पहले ही शांति समिति की बैठक की गई थी हम लोगों के द्वारा और उसमें तय हुआ था, एक समय दिया गया था कि कब कहाँ किसको आना है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले पर्वती की प्रतिमा आगे आगे चलती है और स्टेशन चौक पर विधिवत पूजा के बाद वो आगे बढ़ती है। तो जो समय निर्धारित था 10:30 बजे, तो वहाँ के मेड़पति ज्योतिष मंडल के नेतृत्व में उसी समय पर मूर्ति आई और मैं आशा करता हूँ कि सारी मूर्तियाँ समय पर आएंगी। सारे संवेदनशील जगहों पे पुलिस बल की प्रयुक्ति की गई है और ससमय इसका विसर्जन कर लिया जाएगा।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का निधन सोमवार को दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद हो गया। वे 82 साल के थे। पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। जगन्नाथ मिश्र 1975 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 1980 और 1989 में भी जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा वह केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। जगन्नाथ मिश्र के निधन की खबर आते ही पूरे बिहार और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बिहार में 3 दिनों तक राजकीय शोक की घोषणा की। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं भागलपुर के मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव सलीम सुगंध एवं सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया। सलीम सुगंध ने कहा कि प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र का जाना न सिर्फ उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है, बल्कि पूरे बिहार और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के असामयिक निधन पर हम लोग सब शोकाकुल हो गए। उनके जीवन काल में, मुख्यमंत्री के काल में, उन्होंने शिक्षकों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे काम किए। और इस अवसर पर कल हम लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया गया है जिला कार्यालय हुसैनपुर में। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती सजा याफ्ता कैदी विकास झा सोमवार की सुबह शौच के बहाने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। दरअसल हत्या के मामले में सीतामढ़ी के बथनाहा गांव निवासी कैदी विकास झा उम्र कैद की सजा काट रहा है। कैदी विकास झा माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित था, जिसे जेल प्रशासन द्वारा इलाज के लिए मायागंज अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। सोमवार की सुबह 5 बजे हत्यारोपी कैदी ने गार्ड श्रवण दास की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी आशीष भारती और सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। जानकारी के अनुसार कैदी को भागने में मदद करने वाला सहयोगी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है। भागलपुर के नाथनगर डलिया पट्टी इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से बदमाशों ने बमबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 लोग आंशिक रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर दोनों बदमाशों को धर दबोचा और नाथनगर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल रविवार की रात 1:30 बजे बदमाशों का स्थानीय लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों बदमाश ताबड़तोड़ बमबाजी करने लगे। इस दौरान बिसहरी मेला देखकर घर लौट रहे कारू शाह और मुन्नी शाह बम के छींटे से घायल हो गया। पकड़े गए दोनों बदमाशों की पहचान अलीगंज गंगटी निवासी रोहित शाह और रोहित कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने बम के अवशेषों को जब्त कर दोनों बदमाशों से पूछताछ करने में जुट गई है। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि पकड़े गए दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिलेक्ट टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के पेंशनर समाज भवन में सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भागलपुर जिला परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती और नाथनगर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, जिला प्रभारी विजय नारायण मिश्र, इरफान अहमद, उपेंद्र मंडल एवं सुधामा सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती और जनता के बीच अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए पार्टी में युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, तभी संगठन मजबूत होगा और भी जुड़ेगी। भागलपुर से लोकसभा जाने के बाद नाथनगर के पूर्व विधायक अजय मंडल की सीट खाली है और इस पर उपचुनाव होना है। राज्य सचिव मंडल सदस्य सब भागलपुर प्रभारी विजय नारायण मिश्र ने कहा कि नाथनगर उपचुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसके लिए प्रत्याशी का चयन भी किया जा चुका है। भागलपुर के भाकपा जिला सचिव सुधीर शर्मा उपचुनाव में भाकपा के प्रत्याशी होंगे। साथ ही कहा, आपसी तालमेल से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर सुधीर शर्मा के अलावा जिला परिषद सदस्य, सभी शाखा सचिव, अंचल परिषद सदस्य समेत काफी संख्या में भाकपा कार्यकर्ता मौजूद थे। यह बैठक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भागलपुर जिला परिषद की एक्सटेंडेड बैठक है, विस्तारित बैठक है। इसमें भागलपुर जिला परिषद के तमाम सदस्य, साथ ही नाथनगर विधानसभा से जुड़े पार्टी के जिला परिषद सदस्य, अंचल परिषद सदस्य, शाखा मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र जो रिक्त हो गया है, ये अजय मंडल के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद वहाँ जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ने जा रही है। बिसारी पूजा विसर्जन शोभा यात्रा में श्री श्री 108 मनसा बिसारी महारानी केंद्रीय पूजा समिति और विभिन्न कमेटी के सदस्यों ने सोमवार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूजा समिति और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के सदस्य समेत कई समितियों के लोगों ने स्टेशन चौक पर एकजुट होकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मां मनसा को विदा किया। इसके बाद शांति समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण माहौल में लोगों से प्रतिमा विसर्जित करने की अपील की। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मंच पर मौजूद थे। वहीं बिसारी पूजा को लेकर भागलपुर नगर निगम की पूर्व महापौर डॉक्टर बीना यादव ने कहा कि बिहुला बिसहरी नारी शक्ति की प्रतीक है। इस दौरान रोज अली रोज, जावेद तकी, श्वेता सुमन, दिनेश मंडल, शशि शंकर राय, प्रकाश चंद्र गुप्ता, भोला मंडल समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रशासनिक पदाधिकारी को, क्योंकि आपसी शांति सौहार्द के साथ एक एक करके प्रतिमा जा रही है, आरती किया गया है। इन शब्दों के साथ ढेर सारी शहरवासियों को धन्यवाद, आपसी सौहार्द बनाए। बिसारी पूजा को लेकर अंग प्रदेश भागलपुर में मेला जैसा माहौल रहा। प्रतिमा विसर्जन में आए छोटे छोटे बच्चों ने चौक चौराहों पर जमकर खरीदारी की। स्टेशन चौक, खलीपाबाग चौक और वैरायटी चौक पर अभिभावकों ने बच्चों को खेल खिलौने के सामान दिलाते नजर आए। वहीं खिलौना दुकान पर बच्चे अपने मनपसंद सामान की खरीदी कर काफी उत्साहित दिखे। इसके अलावा सभी विसर्जन मार्ग पर दिन भर मेला लगा रहा। श्री श्री 108 मनसा बिसारी महारानी केंद्रीय पूजा समिति द्वारा रविवार को मंजूसा पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। वहीं सोमवार को प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को भागलपुर के सांसद अजय मंडल, नगर निगम की पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, भाजपा नेता अर्जित सासवात, सहायक डीएम आशुतोष कुमार, सदर एसडीओ आशीष नारायण, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह और विभिन्न समिति के लोगों ने संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल प्रतिभागियों ने पिछले दिनों विक्रमशिला एक्सप्रेस में मंजूसा कला को आकर्षक रूप से बनाया था। प्रतिभागियों में प्रथम स्थान शशांकी कुमारी, द्वितीय स्थान आशीष कुमार, तृतीय स्थान नेहा कुमारी, जबकि चौथा स्थान शोभा कुमारी ने प्राप्त किया। इसके अलावा सभी कलाकारों को जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने सम्मानित किया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। मां मनसा विसर्जन शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का इलाज के दौरान हुआ निधन, राज्य में फैली शोक की लहर। मायागंज अस्पताल में भर्ती सजा याफ्ता कैदी विकास झा पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार, एसएसपी ने गठित की जांच टीम।
और दहशत फैलाने के उद्देश्य से नाथनगर में बदमाशों ने ताबड़तोड़ बमबाजी की घटना को दिया अंजाम, दो आरोपी गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।